हिमाचल का नाम सुनते ही दिमाग में एक पिक्चर नज़र आती है कि पहाड़ियाँ होंगी, जंगल होगा, बर्फ़ होगी, ठंड होगी या गर्मी होगी। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो हिमाचल टूर की है तो मन किया कि आपके साथ साझा किया जाए। ये जंगल जो आप देख रहे हैं देखने में सुंदर लगता है, लेकिन रहने के लिए एक या दो दिन या चार दिन, उससे ज़्यादा यहाँ बोरियत महसूस आपको होने लगेगी। आबादी है, रोज़गार की कमी है, इस तरह से बहुत सी चीज़ें आप जब जाएंगे तो महसूस कर पाएंगे। तो ये नेशनल पार्क है जो कि पौंटा साहब के पास है। यह पौंटा साहब गुरुद्वारे के पास का दृश्य है जहाँ पर यमुना जी जो दिल्ली आती है आपको यहाँ नज़र आएगी, और इस घाट के ऊपर आपको निर्मल जल मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप हिमाचल की तरफ जाएंगे जहाँ वादियाँ हैं, वहाँ ख़ास तौर पर शिमला में पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। आपको हर मोड़ पर टैंकर खड़े नज़र आएंगे। जब आप इस आसमां को देखते हैं, ऊंची चोटियों को देखते हैं, तो आपका मन करता है कि स्वर्ग है तो यही है। लोग आते हैं और यहाँ पर अपने सारे गम, अपनी सारी टेंशन्स दूर करने की कोशिश करते हैं। इसको सुंदर बनाए रखने में भी हमारा हाथ होना चाहिए। हम लोग भी गंदगी यहाँ कम से कम करें। ये ग्रीन वैली का एक अच्छा दृश्य आपको दिखा रहे हैं जो कि शिमला से कुफरी जाते समय आती है। बहुत ही सुंदर हरा भरा ये घाटी है। अपने आप मन मोह लेते हैं, जितने पहाड़ हैं आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अच्छा है, यहाँ रहना चाहिए। ये कुछ टेलीस्कोप से लोग देखते हैं कि कहाँ कैसे यहाँ किसानी होती है, कहाँ कहाँ सिंचाई के प्रबंध हैं, तो टेलीस्कोप से बहुत दूर तक आपको दिख जाता है। ये कुपरी के अंदर सेब के बाग हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। ये ऊपर से जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको इस तरह से शिमला नज़र आता है। ये पहला वीडियो बनाया है कि किस तरह से अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के जो नज़ारे हैं उनको अपने कैमरे में कैद किया जाए और अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को दिखाया जाए कि भाई अगर कहीं जाओ तो आप भी इस तरह से, जैसे मैंने शिमला का नज़ारा आपके सामने किया, आप लोग भी इस तरह के नज़ारे अपने दोस्तों को देते रहें। वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।